हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्विस प्रॉक्सी या क्यू प्रॉक्सी। ठीक है, तो बेसिकली दोनों सेम ही चीज है, या तो आप सर्विस प्रॉक्सी कहो या तो आप क्यू प्रॉक्सी कहो। ठीक है, तो हम लोग आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं। एंड बेसिकली ये सीरीज चल रहा है हमारा क्यूबरनेटीज का, और अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं वॉच की है तो वॉच कर लो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं फिलहाल सर्विस प्रॉक्सी के बारे में। और हाँ गाइज, मैं पहले ही एक बात बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग को उससे कुछ सीखने को मिलता है, समझ आता है, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना। ठीक है, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके दोस्त को भी अगर इस चीज की जरूरत हो, क्यूबरनेटीज उन्हें भी पढ़ना हो, तो उनके साथ प्लीज ये वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए बस इतनी सी आप मेरी हेल्प कर दो ना। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सर्विस प्रॉक्सी या क्यू प्रॉक्सी। ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ लेती हूँ, देन मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। ठीक है, कि सर्विस प्रॉक्सी या क्यू प्रॉक्सी क्या होता है विद अ रियल टाइम एग्जांपल। सो इन क्यूबरनेटीज ए सर्विस प्रॉक्सी और क्यू प्रॉक्सी इज अ कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क प्रॉक्सी एंड लोड बैलेंसिंग विद इन द क्लस्टर। अब ये क्लस्टर क्या होता है मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जहाँ पे आपका मास्टर नोड और आपका स्लेव नोड है ना। मास्टर स्लेव का कंसेप्ट होता है क्यूबरनेटीज में, आर्किटेक्चर आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं उस पर भी वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये दोनों आपस में टाइटली कपल्ड हो, उसको हम लोग कहेंगे क्लस्टर। सो इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मैनेज नेटवर्क कनेक्टिविटी टू सर्विस इन अ क्यूबरनेटीज क्लस्टर। ठीक है, ये बेसिकली डायग्राम है। तो अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है ये डायग्राम, तो दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी आपको समझाऊंगी तो समझ आ जाना है। ठीक है, सो हियर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ इट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारा सर्विस डिस्कवरी। सो क्यू प्रॉक्सी हेल्प्स विद सर्विस डिस्कवरी बाय मेंटेनिंग ए सेट ऑफ रूल्स टू फॉरवर्ड नेटवर्क रिक्वेस्ट टू द एप्रोप्रिएट पॉड्स दैट बिलोंग टू सर्विस। दिस इज क्रूशियल बिकॉज पॉड्स इन अ क्यूबरनेटीज क्लस्टर कैन हैव डायनेमिक आईपी एड्रेसेस एंड सर्विस प्रोवाइड ए स्टेबल एंड पॉइंट फॉर एक्सेसिंग देम। समझ में आ गया। सेकेंड है लोड बैलेंसिंग। सो व्हेन मल्टीपल पॉड्स बैक ए सर्विस, क्यू प्रॉक्सी कैन डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक अमॉन्ग दोज पॉड्स टू बैलेंस द लोड। सो दिस लोड बैलेंसिंग हेल्प्स इंश्योर दैट नो सिंगल पॉड इज ओवरवेलम्ड विथ रिक्वेस्ट, इम्प्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सर्विस। थर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वर्चुअल आईपी। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग वीआईपी भी कहते हैं। सो क्यू प्रॉक्सी क्रिएट्स ए वर्चुअल आईपी फॉर इच सर्विस, हर एक सर्विस के लिए, है ना। क्लाइंट्स विद इन द क्लस्टर कैन कनेक्ट टू द वीआईपी यानी वर्चुअल आईपी टू एक्सेस द सर्विस एंड क्यू प्रॉक्सी इंश्योर्स दैट द ट्रैफिक इज डायरेक्टेड टू द एप्रोप्रिएट पॉड्स। ठीक है, पोर्ट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इन शॉर्ट NAT। सो क्यू प्रॉक्सी परफॉर्म्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टू रीराइट द रीराइट द सोर्स आईपी ऑफ पैकेट्स एज दे ट्रैवर्स द नोड। सो दिस इज डन टू मेक इट अपीयर्स एज इफ द ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम द नोड इटसेल्फ, इंश्योरिंग दैट रिस्पॉन्सेस फाइंड देयर वे बैक टू करेक्ट सोर्स। तो चलिए अब हम लोग ना इसको समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू। सो सबसे पहले क्यू प्रॉक्सी को सोचिए। ठीक है, कि एक ऑफिस गार्ड की तरह जो आपके ऑफिस में लोगों की हेल्प करता है। तो भाई आप क्यू प्रॉक्सी को ऑफिस के गार्ड वाले भैया समझ लो। ठीक है, अब फर्स्ट यहाँ पे क्या है हमारा सर्विस डिस्कवरी। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ पहले, कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड यानी सिक्योरिटी भैया आपको कहेंगे कि सेल्स टीम का कमरा सीधे राइट में है, वैसे ही क्यू प्रॉक्सी ये स्पेसिफिक काम करने वाला कंप्यूटर राइट साइड में है। ठीक है, तो क्यू प्रॉक्सी आपको यही बताएगा कि आपको किस चीज पे बेसिकली आपका कौन सा स्पेसिफिक काम है वो बताता है। आपका सर्विस डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब खोज ही होता है ना। तो आपको ढूंढने में क्या होगा, हेल्प हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। तो इस तरह से सर्विस डिस्कवरी आपके लिए काम करता है। दूसरा आता है लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो अगर ऐसे समझिए कि अगर बहुत सारे लोग
एक ही आदमी से या फिर एक ही कंप्यूटर से मिलना चाहते हैं या उस कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं, तो क्यू प्रॉक्सी उन सबको एक तरफ से उस आदमी के पास ले जाएगा। बट आपने थोड़ा सा मतलब एक जैसे मतलब एक बार में वो नहीं लेकर जाएगा, आप ऐसा समझ लो आपने लिफ्ट देखा है, लिफ्ट में क्या होता है, कैपेसिटी होती है ना कि 5 लोग एक बार में जाएंगे या 6 लोग एक बार में जाएंगे, 4 लोग एक बार में जाएंगे, वो वैसा ही काम करता है लोड बैलेंसिंग कि छोटे छोटे मतलब एक बार में अगर 4 आदमी गया अगर सपोज अगर लिफ्ट में, तो दूसरे बार में फिर 4 जाएगा, लेकिन मिलेगा वो सारे उसी व्यक्ति से, लेकिन वो क्या करेगा, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। गेट इट। थर्ड है हमारा वर्चुअल आईपी। तो आप ऐसा समझ लो कि क्यूब प्रॉक्सी एक कॉमन एड्रेस बनाता है जिससे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक कॉमन मीटिंग रूम का एड्रेस, ऐसे लोग आसानी से मिल सकते हैं। तो इसको ही हम लोग ऐसा समझेंगे कि ये हमारा एक वर्चुअल आईपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो ऐसा समझ लो इसको कि क्यूब प्रॉक्सी थोड़े एड्रेस को बदल देता है, ठीक है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड आपको स्पेसिफिक घर का नंबर नहीं बताएगा, है ना, लेकिन आपको उस एरिया में ले जाएगा। तो वही है यहाँ पे NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम। तो क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली एक हेल्प कर देता है, आपका एक मददगार है जो आपके ऑफिस में कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, जैसे कि आपको जरूरत हो वो आपको सही जगह पहुंचा देगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे इसका काम भी, क्यू प्रॉक्सी परफॉर्म नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टू रीडायरेक्ट द सोर्स आईपी ऑफ पैकेट्स एज दे ट्रैवर्स द नोड। सो दिस इज डन टू मेक इट अपीयर एज इफ द ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम द नोड itself and ensuring that response find their way back to the correct source. समझ में आ गया आप लोगों को? So I hope अब आप लोगों को service proxy या queue proxy clear हो गया हो। तो चलिए आज का वीडियो थोड़ा short था, यहीं तक रखते हैं, next वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।